राजकीय महाविद्यालय ज्वाला जी की लिंग संवेदीकरण इकाई द्वारा ऑनलाइन मास्क लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लिंग संवेदीकरण इकाई समन्वयक प्रोफेसर आरती गुप्ता ने बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर अजायब सिंह बनियाल के मार्गदर्शन में किया गया है। इस प्रतियोगिता के मुख्य उद्देश्यों में मास्क लगाकर कोरोना वायरस से अपना व दूसरों का बचाव करना और साथ ही समाज में लिंग भेद को कम कर समानता का संदेश देकर जागरूकता फैलाना रहा। प्रतियोगिता के माध्यम से लिंग समानता के संदेश के साथ साथ बच्चों की रचनात्मकता को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया। छात्रों कुशाराना, यशिका कुसुमलता, कशिश, शिवानी कौंडल, सिया कौंडल, शिल्पा, निधि, शीतल और रजनीश इस प्रतियोगिता के प्रतिभागी रहे। मास्क लेखन प्रतियोगिता में छात्रा कशिश ने प्रथम स्थान हासिल किया। इसके साथ शीतल ने द्वितीय तथा कुशा राणा ने तृतीय स्थान अर्जित किया। प्राचार्य व प्रोफेसर आरती गुप्ता ने छात्रों द्वारा प्रतियोगिता में बढ़िया प्रदर्शन के लिए बधाई दी और उन्हें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मेरा नाम आरती गुप्ता है। आज गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाला जी की लिंग संवेदीकरण इकाई द्वारा एक मास्क राइटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया गया। सबसे पहले कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का उपयोग, और दूसरा बच्चों की रचनात्मकता को बाहर लाना, और तीसरा उस रचनात्मकता के माध्यम से एक जेंडर इक्वालिटी का मैसेज देना जो कि समाज के लिए अति आवश्यक है।